Welcome to my channel Manutech. Today I will discuss discrete time periodic signals solved examples. Okay, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कंडीशन फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स टू बी पीरियडिक इन हिंदी वीडियो में, उसके अंदर जो कंडीशन होती है पीरियडिसिटी की वो क्या होती है कि ओमेगा नॉट अपॉन टू पाई अगर के अपॉन एन की इक्वल आ जाता है, मीन्स एक रैशनल नंबर होता है तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो होता है वो पीरियडिक होता है. नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स. फर्स्ट जो एग्जांपल है कॉस 0.05 एंड प्लस पाई बाय 2. नाउ वी विल चेक द कंडीशन फॉर इस पीरियडिसिटी एंड देन वी विल फाइंड दिस फंडामेंटल पीरियड. ओके, एज वी नो दैट इसको अगर हम कंपेयर करें एक स्टैंडर्ड कोसाइन सिग्नल से तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आएगी 0.05. ठीक है, पीरियडिसिटी कंडीशन क्या होती है, ओमेगा नॉट अपॉन टू पाई मस्ट बी अ रैशनल नंबर. तो अब हम जो है ओमेगा नॉट अपॉन टू पाई फाइंड आउट करते हैं. ओमेगा नॉट अपॉन टू पाई विल बी इक्वल टू 0.05 अपॉन टू पाई एंड दिस इज इक्वल टू 1/40 pi. ओके, एंड दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर बिकॉज पाई इज़ नॉट अ रैशनल नंबर. सो ओमेगा नॉट अपॉन टू पाई का रेशियो क्या है, एक इरेशनल नंबर आया. इसका मतलब ये जो सिग्नल है वो साइन सिग्नल इज़ नॉट पीरियडिक. ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल लेते हैं एक ई रेज़ टू पावर जे पाई अपॉन 3 n एंड कंपेयरिंग विद दिस स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, इट विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 3. नाउ कंडीशन फॉर पीरियडिसिटी चेक करने के लिए हम ओमेगा नॉट अपॉन 2 pi फाइंड आउट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 3/2 pi. पाई से पाई कैंसिल एंड इट कम्स 1/6. सो इट इज़ अ रैशनल नंबर. ठीक है, क्योंकि ये रेशियो ऑफ इंटीजर्स है तो अगर ये रैशनल नंबर की इक्वल आ गया है, ओमेगा नॉट अपॉन 2 pi किसके इक्वल आ गया, रैशनल नंबर की इक्वल आ गया, इसका मतलब ये जो सिग्नल है दिस सिग्नल इज पीरियडिक. ओके, अब इसका जो एंड फाइंड आउट कर लेते हैं. वी नो दैट कि ओमेगा नॉट अपॉन 2 pi इज इक्वल टू व्हाट, के अपॉन एन. ठीक है, एंड एन शोज द फंडामेंटल पीरियड. तो इसका मतलब 1/6 इज इक्वल टू के अपॉन एन. कंपेयरिंग दिस बोथ वी गेट एन इक्वल्स टू 6. उसका मतलब इसका जो फंडामेंटल पीरियड आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया. ओके, नाउ वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज इक्वल टू साइन 4 pi/3 n प्लस साइन 2 pi/5. अब ये कंपोजिट सिग्नल है. ठीक है, तो इस ये जो है 2 sinusoidal सिग्नल्स का एडिशन है. अब इन दोनों सिग्नल्स की जो पीरियडिसिटी हमें सेपरेटली फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ठीक है, अगर हम इसको एज्यूम करें फर्स्ट सिग्नल को x1n एंड इसको एज्यूम करें x2n एंड बोथ सिग्नल को एज्यूम करें xn, देन व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर पीरियडिसिटी ऑफ x1n, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओमेगा नॉट को 4 pi/3 की इक्वल आएगा इस सिग्नल के लिए. ठीक है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी इसकी 4 pi/3 आएगी इस सिग्नल की. इसका मतलब ओमेगा नॉट अपॉन 2 pi किसके इक्वल आएगा, ओमेगा नॉट अपॉन 2 pi विल बी इक्वल टू 4 pi/3/2 pi. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2/3 विच इज़ अ रैशनल नंबर. ठीक, ये एक रैशनल नंबर हो गया ओमेगा नॉट अपॉन 2 pi, इट मीन्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया दिस सिग्नल साइन 4 pi/3 n इज पीरियडिक सिग्नल. ठीक, और इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, n विल बी इक्वल टू 3 बाय कंपेयरिंग विद k/n. ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 pi इज इक्वल टू k/n होता है, एन से n मीन्स 3 आ गया. ठीक, ऐसे ही अब सेकेंड सिग्नल की पीरियडिसिटी चेकआउट कर लेते हैं. इसमें ओमेगा नॉट कितना किसके इक्वल आएगा, सेकंड सिग्नल में ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू 2 pi/5. इट मींस ओमेगा नॉट अपॉन 2 pi इक्वल्स टू
टू पाई अपॉन फाइव डिवाइडेड बाय टू पाई विच इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव विच इज़ अ रैशनल नंबर. ओके दिस इज़ अ रैशनल नंबर वन अपॉन फाइव. इट मीन्स दिस सिग्नल इज ऑल्सो पीरियोडिक. एक्स टू इज ऑल्सो पीरियोडिक. ठीक. इसकी जो एन टू कितना आ जाएगा, इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आ जाएगा, फाइव के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, कंपेयरिंग विद के अपॉन एन. अब जो है एन वन अपॉन एन टू जो है फाइंड करने की नीड नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि ये बोथ सिग्नल्स पीरियोडिक हैं. इसका मतलब इनका रेशियो जो आएगा इंटीजर रेशियो आएगा विच इज़ अ रैशनल नंबर. इट मीन्स एन वन अपॉन एन टू तो अपने आप ही रैशनल नंबर आएगा. ठीक है, तो ये सिग्नल जो होगा एक्शन जो होगा वो पीरियोडिक होगा. इट मीन्स ठीक. अब इसका जो है इसका फंडामेंटल पीरियड फाइंड आउट करते हैं. अगर इसका फंडामेंटल पीरियड हम एज्यूम करते हैं कैपिटल एन है, तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय फाइंडिंग एलसीएम ऑफ एन वन एंड एन टू. इट मींस वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ थ्री एंड फाइव एंड विच इज़ इक्वल टू 15. ठीक है, इसका मतलब इस होल सिग्नल का, इस कंपोजिट सिग्नल का जो फंडामेंटल पीरियड हो गया वो कितना हो गया 15. ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू.